नमस्कार, टीएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा शहर खास खबर, मैं अनुषा प्रभा। पठानकोट सिटी सेंटर के अधिकारियों व व्यापार मंडल के बीच मंगलवार को हुए विवाद का मामला सुलझ गया है। पार्किंग को लेकर हुए इस मामूली विवाद ने काफी गंभीर रूप ले लिया था। आपको बता दें कि पठानकोट विकास मंच के प्रधान नरेंद्र काला व मॉल के अधिकारियों के बीच हुए इस विवाद से स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। मगर मेरी हाथ जोड़ के तुहाडे अगे बेनती है कि कोई भी इस गड्डी दे कोल ना जावे, ताकि साडा जिहड़ा खेल बनिया बनाया ना बिगड़ जावे। वो चाहते ने कि काम उत्थे खलो के इसे कारण उन्होंने गालां कढ़ियां सी कि असीं सारे जणे मूव उन्हां दे अंदर जाइए, मगर असीं वो चाल नहीं चलन देनी। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, मैं हाथ जोड़ के तुहानूं सारिआं नूं कहिंदा कि सारे साइड ते होइओ। शहर के नामी गुलामी आदमियों जिन्हों को सब कुछ है, पुलिस भी है, सियासत भी है, सब कुछ है उन्होंने जान दो, फिर अं थाने जाके जो होगा अभी करा। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना से सारा दिन शहर में जाम की स्थिति बनी रही। दोनों गुटों में भिड़ंत होने की वजह से पठानकोट व्यापार मंडल के प्रधान एसएस बाबा की पगड़ी खुल गई, जिससे हालात और भी बेकाबू हो गए। एसएस बाबा ने बाजार बंद करने की धमकी देते हुए मॉल के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। देर शाम पुलिस के उच्च अधिकारियों की मदद व दोनों गुटों की आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया। हालांकि इस घटना से दिन भर लोग परेशान दिखे। मेरा शहर खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए टीएल न्यूज़। नमस्कार।